अरे स्पीकर बना तो वही तो शपथ दिलाएगा, कहला राज्यपाल साहब तू मुख्यमंत्री है क्या भूतनी के? अरे ठीक राजा को इसको वही डेंगची लगवा, इसको बिरयानी बेचेगा भगवा रंग की बिरयानी, बिरयानी भगवा बिरयानी। कहाँ पे? वही हैदराबाद में। इन्हें तो उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो बकवास करते हैं, जो संविधान की अनदेखी करते हैं, संविधान का मजाक उड़ाते हैं। जैसे प्रमाण पत्र दे दिया कि हाँ विधायक जीत गए, वो भी छीन लो वापस इससे। यार मुसलमान दाल रोटी दे रहा है इनको, मुसलमान को गालियां देते हैं, सोचते हैं हमें वोट पड़ जाते हैं। जितने मुसलमान है जिन्हें गालियां देता वो सबसे ज्यादा बिरयानी खाने आएंगे तेरे यहाँ। तेलंगाना सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया। अब लेकिन टी राजा को लेकर बवाल शुरू हो गया है। टी राजा ने एक बयान दिया है कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी वहां पर प्रोटेम स्पीकर होंगे, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं अपना शपथ नहीं लूंगा। इसी मुद्दे पर बारीकी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ नंदा भाई है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। नंदा भाई, टी राजा कह रहे हैं कि हम शपथ ही नहीं लेंगे, हमारे लोकतंत्र के प्रति जहर उगलने जैसी बातें, समझे, संविधान के प्रति जहर उगलने जैसी बात। इसका मतलब ये संविधान को लोकतंत्र को नहीं मानते कोई, इसको अकबरुद्दीन को ओवैसी को कोई ऐसे तो बना दिया जो छह बार जो आदमी विधानसभा जीत कर आया है, सीनियरिटी के ऊपर बनाया जाता है। सीनियर तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, है तुम्हें क्या आफत है, और नहीं लेनी शपथ तो मत लो, इस्तीफा दे दो विधानसभा से। तब तो हम माने के विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, आपने विरोध कर दिया। राजा कह रहे मुस्लिम है ना। हाँ तो मुस्लिम है तो क्या हो गया, मुस्लिम इस देश का नागरिक नहीं है? यहाँ के सांसद है, विधायक है, मुख्यमंत्री हुए मुसलमान, तो इससे क्या मतलब है? वो मुसलमान है तो क्या तेरा ईमान खराब हो रहा है, तेरा धर्म खराब हो रहा है? तू अच्छा नौटंकीबाज आया, ऐसे ऐसे नौटंकीबाज से राष्ट्र नहीं चलता। और मुसलमान वो तुम्हारे जो जीजा फूफा बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके बारे में बोल कुछ है? उनके तो बच्चे भी खिला के आ जाएगा, भूतनी के कहां कहां से आ गए पाखंडी ढोंगी। ऐसे ढोंगियों से राष्ट्र नहीं चलने वाला है। आप मुझे बताओ कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, सुरक्षा पे, गरीबी पे, भुखमरी पे, इस पे क्यों नहीं तू इस्तीफा देता कि सरकार ये काम नहीं कर रही, मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसी पे देगा तू, तेरा जीजा आ गया, फूफा आ गया, भूतनी वाले आते कहां से? देश के लोकतंत्र और संविधान का मजाक बना के रख दिया धर्म मजहब के नाम पे। कभी इसने आवाज नहीं उठाता ना शोषितों की, वंचितों की, पिछड़ों की, दुखियों की, गांव के किसान की, मजदूर की, कभी आवाज नहीं उठाया। लगा ली टोपी वो बना लिया, भाई भूतनी के हो, आए कहां से हो तुम? राष्ट्र के सम्मान की खत्म कर दी तुमने सारी गरिमा। तुम लोकतंत्र को जानते नहीं, संविधान कभी पढ़ा है या अनपढ़ ही आ गए हो? बिल्कुल बकरचोदियां करते हो, बकवास करते हो, इससे राष्ट्र नहीं बनता। और तुम जैसे पता नहीं, आप इस्तीफा देना, तू भी दे और तेरे कितने विधायक जीते हैं, इस्तीफा दे। और आ गए ईवीएम मशीन से, ईवीएम ना होना भी बैलेट पेपर पर चुनाव पता भी नहीं चलेगा कहाँ आए तुम। पूरे मैं कह रहा हूँ 2024 में चुनाव करा के देख लो, बैलेट पेपर पे इनमें 10 सीटें भी आ जा पूरे देश में। बयान भी देते हैं तो मुस्लिम टारगेट रहता है। अरे तो भाई क्या है? यार मुसलमान दाल रोटी दे रहा है इनको, मुसलमान को गालियां देते हैं, सोचते हैं हमें वोट पड़ जाते हैं। और इन्हें इनसे कोई ये नहीं पूछ ले कि शिक्षा पे क्या काम करते हो, स्वास्थ्य पे क्या काम करते हो, क्षेत्र में तुमने क्या काम करा, क्या बढ़िया सड़कें बनाई, नाली बनाए, खरिंजे बनाए, क्या क्षेत्र में विकास करा, कितने कॉलेज खुलवा दिए, कौन से स्कूल खुलवा दिए, इसमें कोई बात नहीं। पर मुसलमान मुसलमान, अबे मुसलमान तो बहुत है इस देश में, 25-30 करोड़ मुसलमान है, किस किस को भगाएगा तू? है तू यही कीड़ा लगा रखा है एसएस वालों ने कि तू ही ढोंगी बन के आ जाता है। ये बता तू कौन है खामा खां कि मैं इस्तीफा दे दूंगा? अबे देना इस्तीफा कि तुझे राज्यपाल शपथ दिलाएगा? हाथ तो शपथ ही नहीं लेगा। हाथ शपथ क्यों नहीं लेगा? मत ले तो इसको खत्म करें, जो मतलब कि जो हमारे देश के संविधान का और लोकतंत्र का जो अपमान कर रहा है, जो संविधान को नहीं मान रहा, देश के न्याय को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, उसकी सदस्यता भंग करो। और इसको किसने दिया है? उसने जो भी है, जो भारत निर्वाचन आयोग का जैसे प्रमाण पत्र दे दिया कि हाँ विधायक जीत गए, वो भी छीन लो वापस इससे, समझे, इसे भी वहीं भिजवाओ, इसके वहीं लगा। अरे इसको वही नाम लेने से घबराए यार। अरे ठीक राजा को इसको वही डेंगची लगवा, इसको बिरयानी बेचेगा भगवा रंग की बिरयानी, बिरयानी भगवा बिरयानी। कहाँ पे? वही हैदराबाद में बेचेगा। हाँ भाई बेचेगा। अरे विधायक, अरे भाई विधायक से ज्यादा कमा लेगा। जितने मुसलमान है जिन्हें गालियां देता वो सबसे ज्यादा बिरयानी खाने आएंगे तेरे यहाँ, समझ गया, खरबपति बना देगा तुझे, बिरयानी में कमा लेगा तू, विधायक बन के नहीं कमाएगा, सिर्फ चमचागिरी करेगा, चाटुकार बना रही हो आदेश का, समझे नहीं, और ये दलाली करता रही हो भगवा के नाम पे भलवागिरी है। देश के किसानों के बारे में एक शब्द नहीं होता, पिछड़ों के बारे में एक शब्द नहीं बोला जाता। हाँ आ गया पता नहीं कहाँ का पाखंड फैलाने वाला है, देश के अधिकार, देश के पिछड़ों के, किसानों के, मजदूरों के, जवानों के, सबके अधिकार छिन रहे हैं, इसके बारे में सोच नहीं मिलती। बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है इसी धर्म की, जिस धर्म की तू बकवास करता है, बता कहाँ? उत्तर प्रदेश में देख, बिहार में देख, तुम्हारे इसमें देख, एमपी में देख, मध्य प्रदेश में, कहानी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही, वहां क्यों नहीं बोलता तू? एक शब्द नहीं निकलता इसकी चोंच से बिल्कुल ही बाहर है, और बकवास करे जाता है। ये देश तूने थोड़ी आजाद करा दिया, देश के क्रांतिकारियों ने कराया, मुसलमान मुसलमान
है मुसलमान वैज्ञानिक रहे देश के कितने बड़े, हाँ। तुम्हें नहीं पता हाँ। है एपीजे अब्दुल कलाम समझे, देश को परमाणु हथियारों से लैस करा, तूने क्या करा, सिर्फ कैश करा हिंदू मुसलमान के नाम पे है, चेस करते हो, चेस शतरंज खेलते हो, भूतनी के हो समझे, तुम्हें देश को बर्बाद करने की कोई कमी नहीं छोड़ी है, और तुम जैसे भिखारियों की जरूरत नहीं है समझे, देश को देश बढ़ता है राष्ट्रवाद से, देशवासियों से, देश के नागरिकों से, नागरिकों से मोहब्बत से, प्यार से, अमन से, चैन से, शांति से, तुम जैसे पाखंडियों से राष्ट्र बढ़ेगा, इन्हें तो उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो बकवास करते हैं, जो संविधान की अनदेखी करते हैं, संविधान का मजाक उड़ाते हैं। अरे स्पीकर बना तो वही तो शपथ दिलाएगा, कहला राज्यपाल साहब तू मुख्यमंत्री है क्या भूतनी के, जो तुझे शपथ राज्यपाल देगा, हाँ तू तो उससे ले प्रधानमंत्री मोदी दिलाएगा तुझे शपथ, उसे बुला ले, ये आए कहाँ से यार इन्हें, मैं बताओ तो सही, जानते नहीं है देश के कानून को, संविधान को नहीं जानते कि हमारी नीति क्या है, जनता ने चुन के भेजा है, चुन के कहीं ना भेजा है इसको है, ये चुन 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 कर रहा है, क्या है इसके हाथ में झुंझुना दे दो बजाता रहेगा, समझ गया, फालतू की बकवास करता है, लोगों में जहर बोने के अलावा कुछ नहीं काम करते है, बहन बेटियों की इज्जतें उठ जाती, इनकी चोंच नहीं हिलती, निर्वस्त करके मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा दड़ा दिया जाता, बलत करता, ये काम मर जाता भूतनी के, तब तेरी आंखों में पानी नहीं आता, शर्म नहीं आती, बहन बेटियों की इज्जतें लूटती तब तेरी चोंच नहीं चलती है, चोंच पता नहीं कौन से पिछवाड़े में घुस जाती है भूतनी क्यों, और जैसे कोई बात हुई मुसलमान 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 तो तुम्हारे आका हो गए, समझे मुसलमान ही तो जो तुम्हें रोटी खिला रहे हैं भूतनी वालों भाजपा को, मुसलमानों को कोस कोस के गालियां देते हो, जीत लेते हो तुम, तो मुसलमान हो तो मुसलमान यहाँ चले गए ना, तुम्हें कोई वोट भी नहीं देगा भूतनी वालों, भीख मांगोगे गली गली, समझे नहीं, और नंगे पुंगे मुसलमान हमें वोट थोड़ी करता है, हाँ वोट नहीं करता, उसके नाम पे तो खा लेते हो, जब तो गालियां देते हो है, मुसलमान ही इनका आज की डेट में भगवान है, ये मुसलमान को गाली देते हैं और भगवान प्रसन्न और वोट मिल जाते हैं, तो ये वो है इसकी सदस्यता का, इसका प्रमाण पत्र छीन लो, कौन सी विधानसभा में ये आया है समझे, कहीं से भी आया हो, ऐसे लोगों को देश की राजनीति में कहीं पर भी किसी योगदान की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों की जो जाति और धर्म के नाम पर अनुवाद मचाते हो और राष्ट्र के संविधान के साथ खिलवाड़ करते हो, मजाक करते हो, ये निकम्मे और नकारा और नलायक लोग हैं समझे, ये मोदी के वो चिल्लर खटवल हैं जो समझे नहीं, और तो कोई आवाज़ उठाएगा ही उठाएंगे, पिछली से जाति के बैकवर्ड हैं, इनसे ही आवाज़ें लगवाई जाती है, एक होली आया उसका मध्य प्रदेश का मोहन यादव, वो कहेंगे भाई अभी तो ये इसकी तैयारी है, अयोध्या में तैयारी है और फिर मथुरा काशी की बारी है, इसके लिए इसको ले आए, वहाँ मासरी बजवाएंगे इससे, जगह जगह जो कृष्ण की मूर्तियाँ लगवाएंगे, कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं बिहार में जहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टियाँ अखिलेश यादव या उसकी लालू यादव की उसकी पार्टी को नुकसान पहुँचवाएंगे, इस यादव से ये गुलामी आ गया है, ये यादव नहीं है आरएसएस के समझे नहीं प्रयोगशाला से पैदा किया हुआ यादव है, ये देश को संविधान के लिए खतरा है, उनके खिलाफ ईडीसीडी कब काम करेगी, विजिलेंस कब काम करेगी, सीबीआई कब काम करेगी, इसको देखने की जरूरत है, और ऐसे पाखंडियों की सदस्यता तुरंत छीन लेनी चाहिए, इन्हें विधानसभा और लोकसभा में एक एक सेकंड भी बैठने की अनुमति ना मिलनी चाहिए, जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले।